सबका सब सिल्वर ओपनिंग होने वाला है गाइस। पहले बार ऐसा हुआ कि हम लोग कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख रहे क्रेट में, तो इसको यूज करते हैं। तो चलो 11 बॉक्स हम लोग इधर से रिडीम कर लेते हैं। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? सो गाइस फाइनली हम लोग का जो विंटर रॉयल पास है वो खत्म होने वाला है A4 का, और कल सुबह 7:30 बजे हम लोग का न्यू रॉयल पास आने वाला, जो कि आपको काफ़ी पसंद आने वाला था। अगर आपने एनी हाउ A5 रॉयल पास का कंप्लीट लिक्स नहीं देखा कि क्या क्या चीज़ आने वाला है, तो आप ये वीडियो चेकआउट कर लेना। ये वीडियो में हम लोग टोटल 4 रॉयल पास का गिव अवे कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक डिस्काउंट भी गिव अवे कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो देख के आप पार्टिसिपेट ले सकते हो। सिंपली आपको वो वीडियो का कमेंट सेक्शन में कैरेक्टर आईडी डालना है, वर्जन डालना है, और कल सुबह जब रॉयल पास आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आपको जैसे कि पता होगा आज आखिरी दिन है, तो आज सबसे पहला काम ये है कि जितना भी एक्स्ट्रा आरपी पॉइंट बचा है उसको हम लोग यूज करेंगे और ओपनिंग करेंगे, देखते कुछ मिलता है कि नहीं। वैसे एक चीज बताना चाहूंगा, A4 रॉयल पास का जो आरपी क्रेट है ये वन ऑफ द वर्स्ट आरपी क्रेट है, क्योंकि आप इधर क्लिक करोगे और इसमें अगर आप क्लिक करो ओपन क्रेट में तो कुछ बचा ही नहीं है। एक काइंड ऑफ बोल सकते हो कि हम लोग सिल्वर का ओपनिंग करने वाले, कुछ भी मिले सिल्वर ही होने वाला है, तो ये काइंड ऑफ बोरिंग है। इसी चलते मैं आपको A5 रॉयल पास का भी जो आरपी क्रिएट है वो ओपन करके दिखाऊंगा, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक न्यू कॉन्सेप्ट ऐड होने वाला है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ आपको पता है लाइन फ्रेंड का भी कोलैबोरेशन का आज आखिरी दिन है। वैसे ये चीज़ मुझे आज सुबह पता चला, नहीं तो भाई मैं काफ़ी सारा मिशन ऑलरेडी कंप्लीट करके आता, तो कुछ पॉइंट हम लोग के पास बचा है, काफ़ी सारा मिशन और भी पेंडिंग है, तो कुछ कुछ तो मैं आज शाम को कंप्लीट कर लूँगा, बट कल सुबह ये गायब हो जाएगा। इसलिए जितना भी पॉइंट है उसका हम लोग ओपनिंग कर लेंगे, ये अलग क्रेट, ठीक है, इसका ओपनिंग कर लेंगे, देखते कुछ मिलता भी है कि नहीं, और उसके बाद बाकी का जो पॉइंट होगा वो हम लोग ऑफलाइन ही कर लेंगे, ठीक है। आप भी अपना जो ओपनिंग है ना वो कंप्लीट कर लेना, कि कल सुबह 5:30 बजे वो गायब हो जाएगा, और उसके 7:30 बजे हम लोग का न्यू रॉयल पास आएगा जो कि होने वाला है A5, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको पता है कि हम लोग को आरपी पॉइंट्स क्रेट ओपनिंग नहीं, हम लोग को रिडीम करना पड़ता है। तो चलो इसको हम लोग पहले रिडीम कर लेते हैं। मिनी मटेरियल 2 ही मिलेगा, लेट्स गो। 480 में हम लोग को 2 मिल चुका है, इसको कलेक्ट करना मत भूलना। उसके बाद हम लोग को ये कलर कार्ड लेना है 2, तो ये भी कलेक्ट कर लेते हैं। ओके डन। उसके बाद हम लोग को पेंट लेना है, तो पूरा पेंट ले लेता हूँ मैं जितना हो सके। ओके ये भी डन। हम लोग लेने वाले हैं ये इमोट मटेरियल, क्योंकि इस बार क्रेट ओपनिंग तो नहीं होगा उतना खास, तो इस बार हम लोग मटेरियल लेंगे और एक इमोट का अपग्रेड कर लेंगे कोई भी। ओके डन, ये हम लोग को मिल चुका है इमोट वाला मटेरियल। उसके बाद हम लोग एक और काम कर सकते हैं, बीपी कॉइन से ये ले सकते हैं, पेंट इंपॉर्टेंट है, 3 लाख का है। डन, 40 पेंट इधर से हो चुका है। चलो अभी इसका हम लोग ओपनिंग कर लेते हैं। भाई इससे कुछ है ही नहीं, क्या ही लूँगा मैं, समझ नहीं आ रहा। खैर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं, अगर आपको कुछ नहीं है तो आप उस पर जा सकते हो। सबसे पहले आप देख पर आप बैंड कर सकते हो, इसमें सब कुछ भाई है तो क्या ही बैंड करो। तो आप मिथिक में 2 चीज़ बैंड कर सकते हो, लेजेंडरी में 2 चीज़ बैंड कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आप एपिक में भी 2 चीज़ बैंड कर सकते हो। तो चलो हेडगियर ही बैंड कर देता आपको दिखाने के लिए, बस ये फॉर्मेलिटी है, कुछ है तो नहीं भाई, क्या ही है, कुछ तो अलग दो जिससे हम लोग ओपनिंग के लिए खुश हो जाएंगे। और थोड़ा एपिक भी कर लेते हैं, एपिक में क्या ही करो, पैराशूट कर लेते हैं। ओके डन। उसके बाद आप देख पा रहे एजी करेंसी से भी आप बैंड कर सकते हो। और एक चीज़ नोटिस करना, इस बार हम लोग का A3 में ये चीज़ नहीं था, A4 में हम लोग का 50 ओपनिंग करूंगा ना, तो इसमें से कुछ भी गारंटी है कि मिल सकता है। A5 में एक और चीज़ आ गया जिसमें आप 25 ओपन करोगे तो आपको मिनी मटेरियल और फॉर्ज मटेरियल मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो इसको आरपी में कन्वर्ट करते हैं, उसका करते हैं ओपनिंग, कुछ तो बचा नहीं है। सबका सब सिल्वर ओपनिंग होने वाला है। पहले बार ऐसा हुआ कि हम लोग कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख रहे क्रेट में। देखो अभी मिलेगा भाई, लेजेंडरी सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास है ना भाई, 10 कैमो सोल्जर M16A4 हम लोग को मिल गया है। क्लोज करते हैं, और इधर आप देख पर काफ़ी सारा चीज़ सबका सब सिल्वर में कन्वर्ट होने वाला है। लेट्स गो अनदर 10। नहीं पता क्यों ओपनिंग कर रहा हूँ, बट करना पड़ेगा, और कुछ जगह ही नहीं है जहाँ हम लोग यूज़ कर सके। भाई ऐसा नहीं देना चाहिए। ओके एक ओम का स्किन भी हम लोग को मिल चुका है, और बाकी तो ये भी तो सिल्वर में ही होगा, 3-3 हो चुका है। लेट्स गो 10 मोर। पहला ऐसा क्रेट जिसमें हम लोग कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहे करने के लिए कुछ भी चीज़। ओके टाइडल वर्ल्ड गॉड मार्क्स, भाई भर भर के लेजेंड मिल रहा, यही जगह में अगर दूसरा दिन करता तो ये कुछ भी नहीं देता। लेट्स गो अनदर 10। एक मिथिक दे दो, सो सिल्वर थोड़ा सा ज़्यादा मिले, वही एक लास्ट उम्मीद है। लो एक और ओम दे दिया, ले भाई और 10 ओपन करेंगे तो गारंटी है कि एक मिलना ही है। अनदर 10, लेट्स गो। ओ देखो US का स्किन भी मिल गया भाई, क्या ही है। सही है यार, उसके बाद हम लोग ओपनिंग हो गया 50, अभी हम लोग इधर से कुछ भी मिल सकते। एक मिथिक दे दो, मिथिक मिथिक मिथिक, चलो देखते क्या मिलता। ओके हम लोग को लोन उल्फ सेट मिल गया,
क्या भर भर के चीजें मिल रहा, बट क्या ही बोलू मैं। तो चलो आरपी में कन्वर्ट। देखो भाई एक चीज ध्यान रखना, मैं टिप्स दे रहा हूँ कि जब भी आप ये सब चीजें करते हो ना ओपनिंग, एक बार ध्यान देना हड़बड़ी में मत करना, यूसी चल जाएगा। इसको चेंज करना मत भूलना, बहुत स्मार्टली ये लोग डिजाइन करते हैं। इसको चेंज करना ऐसे, उसके बाद आरपी से ओपनिंग करना, ठीक है? ये लोग चेंज हो जाता बार बार, ध्यान रखना। लेट्स गो स्किप। सिल्वर ओपनिंग हो रहा है, 10-10 नहीं मतलब 16-16 ओपन करते हैं। लेट्स गो, कुछ नहीं, एक और लेजेंडरी मिल गया। चलो ये हो गया खत्म होते हुए, 60 बचा। पैरासूट ट्रेली लेना पड़ेगा आखिर में जाके, और तो कुछ बचा ही नहीं। चलो पूरा फुल्ली रिडीम 0 पॉइंट। देखो भाई 1935 हम लोग को मिल गया है, और यूएस सब का सब बेकार हो गया। चलो ठीक है, एक्सूट आने वाला गाइस, तो उसमें यूज का होगा 1500 वाला, तो ये हेल्पफुल होगा। टाइम लिमिटेड वाला भी भगाओ यार, नहीं चाहिए मेरे को, बीपी कॉइन में काम आएगा बाद में, ठीक है? तो ये था हम लोग का A4 रॉयल पास का ओपनिंग। तो चलो आपको पता है कि अभी मैं जस्ट अभी मटेरियल लिया हूँ, तो इसको यूज करते हैं और हम लोग A2 वाले को अपग्रेड कर लेते हैं, ठीक है? ओके करते हैं। ओके हम लोग का लेवल अप हो चुका है, लेट्स गो। एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, देखो जिसमें हम लोग अपग्रेड कर लेते हैं ना उसमें ब्लिंक आ जाता है ये, देखो। तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इमोट वाला ही मटेरियल ले लेना अगर पास क्रेट मतलब पूरा पूरी रिडीम है तो, ठीक है? ओके गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो पबजी माल के अंदर आ चुके हैं, और अभी हम लोग A5 रॉयल पास का करने वाले ओपनिंग। A5 रॉयल पास का थोड़ा बहुत आपको आइटम पसंद आने वाला, ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, और इसमें एक नया भी कॉन्सेप्ट है। तो ये मेरा मॉडरेटर का आईडी है, इसके बाद 3690 आरपी पॉइंट है। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, कभी मैं मिनी मटेरियल पहले ले लूंगा, जिधर आप देखा मिनी मटेरियल ले लेते हैं। ओके डन, उसके बाद हम लोग ये लेने वाले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, डन। और उसके बाद हम लोग ओपनिंग करने वाले हैं, ठीक है? ओपन क्रेट में चलते हैं। तो इधर आप देख पा रहे हैं इसमें तीन चीज आपको देखने को मिल रहा है। A4 में आपने दो चीज देखा, तो बैन में हम लोग हेडगियर बैंड कर देते हैं, ये दोनों हेडगियर। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हो लेजेंडरी कैटेगरी में हम लोग ऑर्नामेंट को बैंड करेंगे। एक ऑर्नामेंट इधर है जो ओन्ड है, उसको भी बैंड कर देते हैं, ठीक है? ये ओन्ड है हेडगियर। फ्री वाला में ओन्ड वाला को हम लोग ब्लॉक कर देते, तो हम लोग दो दो करके ब्लॉक कर लिए। उसके बाद आप देख पर इसका भी वही है, 50 ओपन करोगे तो कुछ मिलेगा। इधर आप देखो 15 ओपन एंड 25 ओपन में कुछ ना कुछ हम लोग को रिवॉर्ड मिलेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग ये इसको स्विच करेंगे, और उसके बाद हम लोग ओपनिंग करके देखते कुछ मिलता है कि इसमें मिलेगा तो बेनिफिट है। ओ भाई A4 वाला में देख क्या ही फायदा, एक लेजेंडरी दे दो ब्रो, नहीं दिया भाई, जिसमें जरूरत उसमें नहीं मिलने वाला, ठीक है? अनदर 10। ओके भाई कुछ एक लेजेंडरी अच्छा दे दे भाई, मेरे को अकाउंट दिया, नहीं देने वाला भाई, ये गेम है ना ऐसा, क्या ही बोलूं। लेट्स गो अनदर 10, दे दो ब्रो दे दो। ओ भाई कुछ भी नहीं दे रहा भाई, जिसमें जरूरत है उसमें नहीं दे रहा, 30 ओपनिंग हो गया। चलो अभी हम लोग सोलो करते हैं, और बाकी जो आरपी पॉइंट बचा वो ओपनिंग कर लेगा, ठीक है? कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई, एक लेजेंडरी भी नहीं दिया भाई ये अकाउंट में, तो उससे भी खराब हालत है। तो उसमें तो भर भर के लेजेंडरी दे रहा था भाई, अभी नहीं है, यूसी से ओपनिंग होगा, ठीक है? चलो हम लोग इधर ओपनिंग हो चुका है, मिथिक फॉर्ज का एम्बलम फ्रैगमेंट, और उसके साथ साथ हम लोग मिनी मटेरियल मिल चुका है, ठीक है? डन। और चलो हम लोग लाइन फ्रेंड का ओपनिंग कर लेते हैं, और इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक क्रेट ओपन करूंगा, और जो रिमेनिंग होगा उसको मैं बाद में देखूंगा, पॉपुलरिटी रिडीम कर लूंगा, ठीक है? 30 पॉइंट वाला ओपनिंग करते हैं, जिसमें क्या क्या है देख लो। तो आपको लक अच्छा रहा तो परमानेंट मिलेगा, टाइम लिमिटेड, चांसेस है कि टाइम लिमिटेड ही मिले, ठीक है? लेट्स गो। ये क्या था वो, इसका अंदर भी ओपनिंग, डब्बा के अंदर डब्बा, और ये ग्राफिटी हम लोग को मिल रहा है। चलो कितना हम लोग टोटल ले सकते हैं, 350 है ना, करते हैं ना। तो चलो 11 बॉक्स हम लोग इधर से रिडीम कर लेते हैं। ओके डन। तो हम लोग इन्वेंटरी में क्लिक करेंगे, इधर हम लोग क्लिक करेंगे, तो इधर आप देख पर हम लोग का बॉक्स आया है कि नहीं। हाँ हम लोग का बॉक्स आ चुका, और एक चीज़ अच्छा बात है, ये भी परमानेंट बॉक्स है, तो एक हम लोग मेमोरी के लिए रखने वाले हैं। आपको पता होगा मैं रखता हूँ हर एक बॉक्स, एक एक जो पॉसिबल होता है परमानेंट होता है, और इसमें से जैसे आप देखो ब्लैक पिंक का मैं रखा था, उस हिसाब से ये कुछ कुछ चीज़ जो पबजी से जब हम लोग ट्रांसफर किए थे कुछ कुछ चीज़ आया है, कुछ कुछ चीज़ आया भी नहीं है, वो एक्सपायर हो गया था। और इधर आप देख पा रहे जब हम लोग न्यू एरा आया था वो हम लोग एस चैलेंज का एला मिला था, वो भी आप देख पा रहे हो। चलो एक हम लोग इसमें रखने वाले और बाकी ओपन कर लेते हैं, ठीक है? लेट्स गो। ओ भाई परमानेंट मिल गया भाई, क्या ही लक है,
चलो इसमें तो एटलीस्ट लक हुआ, ऑनलाइन फ्रेंड का ग्लाइडर हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। तो हम लोग का मिल चुका, काफी अच्छा पॉपुलरिटी भी मिल गया है, ग्लाइडर भी हम लोग को मिल चुका। एक चीज आपने नोटिस किया, हम लोग 10 ओपन किया केवल 6 दिख रहा है। एक्चुअली ये जो 3, 2 और ये 2 देख पा रहे, कंबाइन हो गया ना, तो एक्चुअली 10 ही ओपन हुआ, बट सेम आइटम को ये एक ही जगह में लगा दिया, ठीक है। बट हम लोग क्या, हम लोग क्रिएटर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो मिल चुका है भाई, हम लोग का होवरबोर्ड आ चुका है और ज्यादा ओपनिंग भी नहीं करना पड़ा। तो इधर आप देखो हम लोग परमानेंट होवरबोर्ड मिल चुका है, ओके। और ये भी एक याद है जैसा रह जाएगा, अच्छा बात है। ये टाइम लिमिटेड भी मिला एक, तो अच्छा बात ये है कि हम लोग एक करेंगे और इसको डिसमेंटल कर देते हैं, क्या करेंगे, टाइम लिमिटेड परमानेंट मिल चुका है ब्रो। चलो चलो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा, काफी सारा चीज कवर कर लिया और लास्ट में जाके थोड़ा सा तो अच्छा हुआ कि हम लोग ग्लाइडर जो था वो हम लोग परमानेंट मिल चुका है, ठीक है। चलो इतना रखते हैं वीडियो को, मिलते हैं जल्दी हम लोग न्यू रॉयल पास के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। पार्टिसिपेट करना मत भूलना, बाय बाय।